मूवी तो बहुत अच्छी थी एंड सलमान खान और कैटरीना की केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद आई, सुनील ग्रोवर और सलमान खान की भी केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद आई, और जो छोटा बच्चा था आर्यन और उस एक सलमान खान का छोटे बच्चे का रोल कर रहा था उसकी भी केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद आई। बट मूवी में थोड़ा गड़बड़ यह था कि स्टोरी लाइन जो इंटरवल के बाद थी ना वो थोड़ा गड़बड़ थी, बाकी तो मूवी बहुत अच्छी थी। डायरेक्शन इज़ वेरी ऑसम, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, भले स्टोरी लाइन में गड़बड़ हो गई लेकिन डायरेक्शन बहुत अच्छा था एंड डायरेक्शन की वजह से बहुत अच्छा लगा। गाने के स्लो मोशन में वो बहुत अच्छा था एंड आई लाइक, मेरे अंदाज में गाना याद नहीं है पर स्लो मोशन में हाँ बहुत पसंद आया मेरे को, क्योंकि सलमान खान का स्टाइल अलग है ना, तो वेरी फनी और बहुत अच्छा लगता है। मतलब उन्होंने क्या दिखाया है कि एक बंदा अगर कोई भारत होता है तो वो देश के चलाने के लायक होता है, मतलब उसको देश के चलाने का कुछ दिखाया नहीं, एक परिवार को भी चला सकता है। भारत नाम रखने से देश को ही चलाना नहीं होता, एक परिवार को कैसे उठाना है, परिवार को कैसे निखारना है वो दिखाना है, वो उसमें दिखाया अच्छा, गया। जिसमें हमने देखा ट्रेलर में जैसे देखा तो इसमें एक थोड़ा सा वो है कि जितने मेरे बाल पक गए उससे ज़्यादा मैंने कुछ हाँ जितने मेरे बाल पक गए उसने मैंने अपनी लाइफ में मस्ती की है, मतलब उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया है, मस्ती तो ज़्यादा दिखाई नहीं उन्होंने, ज़्यादा तो काम ही किया है और अपने अपने परिवार के लिए मेहनत की है वो दिखाया है उसमें, और जो जहाँ जहाँ गए थे वो तो दिखाया है एंड इट्स वेरी बेस्ट, क्योंकि उन्होंने एक लाइफ का कुछ लेसन तो दे दिया बंदों की, भाई कुछ करो अपने परिवार के लिए भी सही है। आइटम सॉन्ग तो याद नहीं आ रहा मुझे बट है। फाइव मिनट्स की फोर स्टार।